क्योंकि वो माटी के ऊपर माटला बनाता है, उसी माटी से वो गणेश बनाता है, उसी माटी से सब कुछ होता है, वही चाक अपन को चक्कर। क्योंकि वो माटी के ऊपर माटला बनाता है, उसी माटी से वो गणेश बनाता है, उसी माटी से सब कुछ होता है, वही चाक अपन को चक्कर से बाहर निकालता है। देखा, एक बार कोई बिना चाक की पूजा करके शादी लगन करवा दो, उनके घर में चक्कर पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपने को ये संगठन बनाना है, जहाँ भी जाए अपन अगर बेटी व्यवहार नहीं कर रहे तो उनको कहो कि जाजम पे बैठो, एक जगह बैठो। भोजन व्यवहार नहीं करे तो आप कोई बात नहीं, एक जाजम पे बैठो, हम सब एक, हम सब भाई भाई। अब आप मेवाड़ में चले जाओ, जिनके नाक नहीं बीन रखा है, जो नाक बीनते हैं, नाक में बाली पहनते हैं, उनके साथ संबंध नहीं करते। मैंने उनको कहा आप संबंध मत करो, परंतु एक जाजम पे तो बैठ ही सकते हो। अपने प्रजापति में कई प्रकार के रास्ते हैं, कई प्रकार की गोतियाँ हैं, कई प्रकार की प्रजाएं हैं, कई प्रकार के अपने दायरे बना रखे हैं, परंतु हैं हम सब एक। बस यही मैं जागृत करने के लिए मैं जगह जगह जा रही हूँ। कभी कोई साधन मिलता तो साधन में जाती हूँ, ट्रेन मिलता तो ट्रेन में जाती हूँ। ये तो कल ही अपने गुजरात के एक नंदलाल काला भाई प्रजापति करके हैं, चाहे किसी भी बार भारत में कहीं का भी प्रजापति को कोई तकलीफ हो तो वो व्यक्ति जाकर के उसकी तकलीफ को दूर करता है। और इतना बड़ा व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने ट्रेन की टिकट करवा दी तो ट्रेन में आ गए, नहीं करवाई होती तो बस में आते, पर आना जरूर था। क्योंकि मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई और मेरी बहनें हैं, कोई किसी प्रकार के दुखी नहीं हो, यही मेरा उद्देश्य है। अभी मेरे समाज को सुरक्षित और निरोगी बनाने के लिए मैंने दवाइयों का काम चालू किया है, 100% दवाइयाँ बना रही हूँ। अलग अलग गौशाला जो अपनी चलती है, अपनी पतमेड़ा गौशाला है, जिसका हालांकि शुरू तो दूसरे ने किया, लेकिन वो अभी अपने हाथ में चल रही, मेरे गुरुजी के हाथ में चल रही है। उसके निर्देशन में अपने दवाइयाँ बनाई है कि अपने समाज दुखी नहीं हो, वही दवाइयाँ अब मैं गुजरात में शुरू करूँगी कि मेरे समाज को कम शुल्क में, और शुल्क भी कोई विशेष बात नहीं, लेकिन मेरे समाज तक ये आयुर्वेदिक और गौ आधारित वस्तु पहुँचे, मेरे समाज निरोगी रहे, मेरे समाज गाय माता से जुड़े। जब इस धरती पर शक्ति नहीं थी और शक्ति को लाने के लिए दक्ष प्रजापति ने तप तपस्या की, और तप तपस्या करने के पश्चात में जब शक्ति आने का वादा किया था, वरदान दिया था, तब शक्ति ने कहा कि मेरे को गाय माता के अलावा कोई बीजा दूसरा कोई अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मेरे आने से पहले मुझे गाय माता प्रिय, तो गाय माता लेके आओ। ब्रह्मा जी के द्वारा गाय माता इस धरती पर प्रकट हुई। जब राजा दक्ष प्रजापति ने तप तपस्या की, गौलोक से सुरभि मैया के थनों से दूध बहा,